इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार पर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देश भर में धूमधाम से आज दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही बता दें कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का आज पर्व है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार कहा जाता है और आज विजयदशमी का त्योहार है। देश भर में धूमधाम से दशहरा का पर्व आज मनाया जा रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का ये पर्व है जो बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। श्री राम ने त्रेता युग में आज ही के दिन रावण को मारा था, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इसी को लेकर कई जिलों में आज रामलीला और मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। दशहरा पर मेले का आयोजन किया जाता है और रावण के पुतले में आज आग लगाई जाएगी। आज दशहरा का पर्व है और दशहरे मेले को लेकर जिलों की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का आज त्योहार है जिसे पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसको लेकर आज मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर पड़ता है। श्री राम ने आज ही के दिन त्रेता युग में रावण का वध किया था और इसी को लेकर ये दशहरा का पर्व मनाया जाता है और कई जिलों में आज रामलीला और मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रावण के पुतले में आज आग लगाई जाएगी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम आज के दिन के लिए किए जा रहे हैं।